बुला रहे हैं डॉक्टर संजय नवले जी को, तो दोबारा थोड़ा सा अपना परिचय देके और फिर अपना वक्तव्य देंगे। और वो हिंदी विभाग में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और बहुत सारा हिंदी का काम कर रहे हैं, बहुत सारी पीएचडी करा रहे हैं। तो अब उनको उनसे निवेदन है कि वो आप आए हैं और हमें दो शब्द दें। हाँ नमस्कार, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, स्वागत। मैं अटल जी की कविता पर मैं बोलना चाहूंगा, और कविता पर बोलते समय मुझे ऐसा लगता है, या किसी साहित्यकार या कवि पर बोलते समय सुबह सुबह मैं इस पद्धति से विचार करता हूं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस परिवेश से बना हुआ है। उसका कारण ऐसा है कि मनुष्य जिस परिवेश में रहता है, उस परिवेश का प्रभाव उसके बाह्य आंतरिक और मानसिक व्यक्तित्व पर काफी गहरा पड़ता है। ऐसा दुनिया के लगभग सभी विद्वानों ने इसे स्वीकृत किया है, और मनोविश्लेषक जो है, मन का अभ्यास करने वाले जो दुनिया के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, उससे उसका यह व्यक्तित्व बनता है। मैं ये देखता हूं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 1924 में होता है। जब वो आंख खोलते हैं या पहला शब्द उनके कानों पर आता है या पहली सांस वो लेते हैं, तब ये समय, ये समर, ये स्वतंत्रता संग्राम का है। इस कारण उनकी उनका जो कविता संग्रह है, मेरी 51 कविताएं अथवा कविता कोश है, उसको अगर बहुत बारीकी से हर कोण से अगर हम देखेंगे, तो उनके पूरी कविताओं में, लगभग सभी कविताओं में केंद्र में राष्ट्र आता है। वो कहीं ना कहीं रूप में राष्ट्र आता है। जब मैं ये खोजने लगा कि भाई इस विराट पुरुष के साहित्य के केंद्र में राष्ट्र आता है, उसका कारण कौन सा है? जब देश को आजादी मिली, अगर गणित के हिसाब से हम बोले तो वो 24 वर्ष के थे, अर्थात उनकी शैशवावस्था, उनकी उनका बचपन और उनकी युवावस्था इस स्वतंत्रता संग्राम के उन सारे अंधार भरी यात्रा, उन सारे घोषणाओं से, उन सारे आंदोलन से गुजर चुके। अगर समझो कि कोई एक व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति इस पद्धति की उसकी यात्रा जीवन के एक विशिष्ट मोड़ पर आती है, और ये व्यक्ति जब उस जीवन के विशिष्ट मोड़ पर आने के बाद लौट कर पीछे देखने लगता है, तब उसके जीवन का एक हिस्सा बनता है इस देश का स्वतंत्रता संग्राम, इस देश ये देश उनके जीवन के केंद्र में आता है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस कारण जितनी भी कविता, उनकी पहली कविता है ताजमहल नाम की, जब उनके समग्र कविता को मैं देख रहा था, तो पहली कविता उनकी ताजमहल है। और ताजमहल कविता पढ़ते समय मुझे पंत की ताज नाम की कविता की याद आती है, क्योंकि इसमें यह कवि बहुत तटस्थ होकर ये जो अनुपम प्रेम का स्मारक खड़ा हुआ है, लेकिन उस स्मारक के पीछे जो इतिहास है, दर्द भरा इतिहास है, शोषण भरा इतिहास है, वो शोषण भरा इतिहास ये कवि अपनी कविता में व्यक्त करता है। लेकिन बाप की जो कविता में देखने लगता, तब मुझे लगभग अधिकतर कविता में एक इस पद्धति का आवाज भी दिखाई देता है, इस पद्धति का स्वर भी दिखाई देता है कि मैं कभी हार नहीं मानता, विजय का शंखनाद मुझे उनकी कविता में दिखाई देता। कुछ कविताओं में मुझे युद्ध दिखाई देता है,
अब इन तीन शब्दों को जब मैं देखने लगता तब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सामने आने लगती। मैंने कहा कि भाई वो कभी हार नहीं मानना चाहता, इस बात से हारना नहीं मानना नहीं चाहता कि वो लड़ाई से हटना नहीं चाहता, वो संघर्ष से हटना नहीं चाहता। वो उनका व्यक्तित्व पूरा का पूरा व्यक्तित्व एक जुझारू व्यक्तित्व। उसका कारण ऐसा है, जब पहले मैंने कहा कि भाई उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम का वो आंदोलन सारा देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है, अपने अंदर ये सारा आंदोलन रच बसा हुआ है, ये बाहर जब निकलता है तो इस पद्धति के शब्द लेकर, इस पद्धति की काव्य पंक्तियां लेकर वो बाहर निकलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। और ये इनकी सारी जो यात्रा है वो पहाड़ी चढ़ान की यात्रा, ये चढ़ना चाहता है शिखर पर, और उस शिखर का वहां शिखर पर वो चाहता है कि इस देश का तिरंगा मैं फैलाऊं और दुनिया को दिखाऊंगा कि ये मेरा भारतवर्ष कितना महान और किस पद्धति सा है। विजय कसंकनाथ इस कारण मैं कहता हूं कि उन्होंने, उनके समकालीन जितने भी हिंदी के कवि हैं जो कि उनके साथ संसद में भी थे, दिनकर देसाई, इनकी सबकी कविता को एक फलक पर अगर हम देखना चाहेंगे तब उन सभी के लगभग कविता के केंद्र में ये मातृभूमि। इस कारण देखिए कि लगभग आधी से अधिक कविताओं के केंद्र में मातृभूमि है, और इस मातृभूमि को, इस मातृभूमि को, उस मिट्टी को अपने भाल पर लगाने की उनकी इच्छा कई कविताओं में। अगर कबीर के शब्दों में अगर मैं कहूं तो इस मातृभूमि सी मिट्टी अबीर और गुलाल की जैसी मिट्टी है, और ये पावन और पवित्र मिट्टी है। ये सारी कविता अन्य कविताओं के केंद्र में शोषण है, अन्याय है, भ्रष्टाचार है, आंदोलन है, और सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति और संस्कार है, आम आदमी है, और भारत का गौरव इनके कविता के केंद्र में आता है। एक ओजस्वी वक्ता, भारत के गौरव की गीत गाने वाला ये गीतकार जब कविता का पाठ प्रस्तुत करता है, एक जगह लिखकर रखा हुआ है कि अपने मातृभूमि के इस गौरव को स्पष्ट करते समय वो जब बोलने लगते हैं तब यहाँ का हर कंकर, इस देश के मिट्टी का हर कंकर उनको शंकर लगता है, और यहाँ की हर वनस्पति, हर बेली, हर पेड़ उनको एक औषधि लगती है। और वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि हिमालय के पैर यहाँ का सागर धोता है, यही तो मेरा भारत है। इस पद्धति से भारत के गौरव का गीत गाने वाला ये कवि, मैं उनका राजनीतिक व्यक्तित्व एक अलग व्याख्यान का विषय होगा, उनके वक्ता रूप एक अलग व्याख्यान का विषय होगा, लेकिन एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कहूंगा कि उन्होंने जो कविता, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता कि एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते कि उनके लगभग सभी कविता में यही संगीतात्मक है, उसमें ताल है, उसमें सुर है, उसमें वो रिदम है, उसमें नाद है, नदी जैसी बहती है वैसी वो कविता बहती है, लेकिन यह भी है कि भारत का दुख, भारत का भय, भारत का भूख, भारत की निरक्षरता और मुक्त भारत की सपने शुरुआत के कविता में मुझे दिखाई देता है। एक बहुत सुंदर एक समीक्षक ने, एक आलोचक ने लिखा हुआ है कि अटल बिहारी, अथवा अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के बारे में वो भी मानते हैं, और उस समीक्षक ने लिखा है कि उनकी कविता कभी भी पराजय की प्रस्तावना नहीं बनी है। उनकी कविता कभी भी पराजय की प्रस्तावना नहीं बनी, वो एक जंग का ऐलान करती चली। कविता जब पाठक पढ़ने लगता है तब उसमें जो एक नई ऊर्जा, नई दृष्टि भरी जाती है, ऐसी कविता से भरी जाती है। इस कारण कविता उनकी कभी पराजय की प्रस्तावना नहीं है, जंग का ऐलान कविता है।
उनकी कुछ कविताएं आपातकाल कर आपातकाल पर भी है, और सबसे प्रिय जो वो गाकर दिखाते थे, गाकर गाकर दिखाते थे, और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के लाखों हजारों कंठों में जो कविता सुरक्षित है वो कविता है आओ फिर से दिया जाए, आओ फिर से दिया जाए। ये कौन सा दिल दिया जलाना चाहता, और उस शब्द को मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि वो फिर से क्यों गए। कभी एक दिया जलाया था, वो दिया एक चराग बना हुआ, वो मशाल बनी थी। उस वक्त जो वो मशाल बनी, वो दिया जलाया था, वो था आजादी का। और आजादी के आंदोलन के बाद कुछ वर्षों के बाद, क्योंकि काफी वर्षों तक वो विपक्ष में रहे, विपक्ष दल का नेता कैसा होना चाहिए, उन्होंने हर प्रश्न की ओर कैसा देखना चाहिए, अपनी कविता की ओर कैसा देखना चाहिए, अपने समाज को अपने राष्ट्र की ओर कैसा देखना। जब आजादी के 15-20 वर्ष के बाद ये बीचों बीच खड़ा होकर कवि ये लिखने लगा, आओ फिर एक बार दिया जाए। अगर मेरी समझ गलत हो तो मैं कहूंगा उस वक्त कुछ प्रमाण में अंधार निर्माण हुआ, जीवन के अनेक क्षेत्रों में आजादी के बाद अनेक क्षेत्रों में अंधार निर्माण हुआ, उस तमस को हटाना वो चाहते। इस कारण उन्होंने कहा पहले एक बार दिया जलाए, अब आओ एक बार दिया जलाए, फिर से एक बार दिया दिला। मैं अगर ये कहूं तो गलत कि वो प्रकाश पूजक थे, जन जन के, मैं और आगे जाके कहूंगा तो जन गण मन के, हर मन में उनके समक्ष एक दीपक जलाना चाहते थे। इस कारण उनको मैं प्रकाश यात्री कहूं तो गलत नहीं, प्रकाश पुंज कहूं तो गलत नहीं, हर जीव में वो सूरज निर्माण करना चाहते थे, वो सुनहरी सुबह इस देश के हर व्यक्ति के जीवन में वो निर्माण करना चाहते थे, वो भोर वो सुनहरी किरण इस देश में, देश के हर व्यक्ति के जीवन में निर्माण करना चाहते हैं। इस कारण मैं कहूंगा कि वो प्रकाश निर्माण करने वाला एक पुंज था। उन्होंने जितने भी गौरव अपने देश के, अपने माटी के, जब हिमालय में बोलता ही है कभी, जब अपनी गंगा नदी पर या हिंदुस्तान की हर नदियों पर जब बोलने लगता है, तब मुझे लगता है कि ये अमृत की धारा बनती है। जैसा मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान के हर पत्तों को एक वो औषधि कहने, वो कितना महत्व अपने देश का, हिमालय की ऊंचाई, पर्वतों की ऊंचाई, यहां की मिट्टी का गौरव गान गाने वाला ये कवि, बुझी हुई बात की उनके एक कविता में, उसी कविता में उन्होंने आगे एक पंक्ति आती है कि बुझी हुई बात की सुलगाए, इसका अर्थ क्या कि कहां आजादी के बाद जो हमारे सपने थे, हर क्षेत्र में जो प्रगति चाहते थे, चाहे शिक्षा हो, आरोग्य हो, खेती हो, कहीं तो अपनी खुली आंख से जब हिंदुस्तान को देखने लगते हैं, तब उनको ऐसा लगने लगता है कि जो सपना आजादी के समय इस राष्ट्र के वासियों ने देखा हुआ था, कहीं तो वो पूरा नहीं हुआ। इस कारण कहते कि बुझी हुई बाती फिर से सुलगा, कभी सुलग चुकी थी फिर बुझ गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पद्धति का आह्वान करने वाला, क्या कहूं मैं, शिक्षक तो नहीं कह सकता, उसके आगे का व्यक्तित्व
किसी के हाथ को पकड़ कर वो कहता है कि चलो साथियों चलो एक साथ चलेंगे और दिया जलाएंगे, बुझ भी बाती बाती फिर से हम जलाएंगे। इसका अर्थ वो जन मन गण प्रकाश निर्माण करना चाहते थे और इस कारण उनकी और एक बहुत प्रसिद्ध कविता, उस कविता में उन्होंने जो कहा है, हमें जो एक संदेश दिया है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं, कि मनुष्य का मन कैसा है, वो किस पद्धति से संस्कारित होना चाहिए, वो कितना बलशाली होना चाहिए। इस कारण कहते हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा। हेलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हेलो, वो चाहते हैं कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं। और समय के कारण मैं अंतिम कुछ बातें कहना चाहता हूं जो मुझे बहुत ही स्पष्ट करते हुए आगे चली गई बात यह है कि वो भारत को जमीन का टुकड़ा, भारत को जमीन का टुकड़ा नहीं माना, वो भारत को जीता जागता मुझे लगता है कि सारी भारतीय भाषाओं के कवियों ने कई राष्ट्र पर कवि जो कि हिंदी में समकालीन साहित्य जैसी पत्रिका आती है, लगभग सभी भाषाओं में ये कविता उसमें छपी जाती है। और अटल बिहारी वाजपेयी के समकालीन भी कवियों को अगर हम पढ़े तो मैंने कभी किसी कवि को इस पद्धति से लिखते हुए नहीं देखा कि भारत को मात्र वो जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, उसको जीता जागता राष्ट्र पुरुष। तो इस कारण जहां से मैंने शुरुआत की थी वहां लेकर मैं जाऊंगा कि जब उनका जन्म हुआ था तब जो ढोल नगारे बज रहे थे, जो घोषणाएं थी वो पारतंत्रिक की घोषणाएं थी, उस बालक मन पर जो परिणाम हुआ कि मैं मेरा राष्ट्र, और उन्होंने अपने पूरी आंख से देखा हुआ है कि इस राष्ट्र को आजाद करने के लिए कितने बलिदान चले गए, पद्धति के आंदोलन हो चुके, और उस आंदोलन को सामने रखते हुए उस इतिहास को भूलना नहीं चाहते। और अंतिम मैं कहूंगा कि वो मौत को जिंदगी से बहुत बड़ा, सॉरी मौत को जिंदगी से बड़ा कभी मान। उन्होंने कहा कि जिंदगी एक प्रवाहित नदी के जैसे है, और दूसरी बात ऐसी है कि मौत के विरुद्ध ऐलान करने वाला भी ये कभी नहीं। हमने मौत को डरने वाले लोगों को काफी देखा, मौत से भागने वाले लोगों को काफी देखा, लेकिन कुछ कविताओं में मैंने ये देखा हुआ है मौत को ऐलान देने वाला, मौत के विरुद्ध संघर्ष करने वाला, मौत को न डरने वाला ये कवि है, और मौत से जिंदगी को बड़ा मानने वाला है। कितने रूप है, मैं सतरंगी रूप नहीं कहूंगा, उससे भी अगर कितने भी रंग होंगे तो उनके कविता में मुझे रंग दिखाई देते। अंतिम मैं कहूंगा कि एक हिंदी में बहुत बड़ी बड़ा अच्छा गीत है, कविता है कि नदिया जैसी बहुभाषा, इस देश में नदिया जैसी बहुभाषाएं बोलियां। जब मैं अटल जी का कविता और कविता कोश और मेरी एकाउन कविताएं मैं पढ़ रहा था, जब बघेल जी का उसे संदेश आया कि आपको बोलना, तब मैंने ये देखा कि कुछ कवि ऐसे होते हैं, कुछ लेखक ऐसे होते हैं जैसे प्रेमचंद, कि जिनके साहित्य में चित्रात्मकता हो। जब मैं अटल जी की और एक कविता, अगर मैं उसका उल्लेख नहीं कहूंगा तो ठीक नहीं होगा, संजय जी, थोड़ा समय, हाँ हाँ समाप्त कर, समय की, हाँ समाप्त कर, आपको शायद हम लोग बहुत लंबा सुन सकते हैं, लेकिन बघेल जी समय